निगम में विपक्ष में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षद साथियों में से नियमानुसार नेता विपक्ष चुने थे और उस समय अपने सभी पार्षद साथियों को वायदा किया था कि नेतृत्व के विकास के लिए नए लोग नई जिम्मेदारियों के अनुरूप अपने को ढालकर अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को विकसित कर सकें, इस बात का ध्यान रखते हुए हम इस जिम्मेदारी को, जो बहुत महती जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है नेता विपक्ष की जिम्मेदारी, हम इसको रोटेट करते रहेंगे और अपने उसी वायदे पर अमल करते हुए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि तीनों निगमों के अंदर हम अपने नेता विपक्ष बदलेंगे। हकीकत यह है कि तीनों निगमों के अंदर आम आदमी पार्टी के तीनों नेता विपक्षों ने बहुत बढ़िया काम किया है, बेहतरीन काम किया है। हमने मोर्चे खोले, उनके नेतृत्व में हमने विरोध प्रदर्शन किया, हमने भूख हड़ताल किया, हमने शिकायतें की, FIR किए, PILs करी, PILs के ऑर्डर्स हमारे दिल्ली की जनता के फेवर में आए। पार्किंग वाला मुद्दा साउथ दिल्ली का आपको पता होगा, हमारे ही साथी ने PIL की थी और सभी प्राइवेट मॉल्स और हॉस्पिटल से प्राइवेट पार्किंग शुल्क हटाया जाए ये आदेश दिया था न्यायालय ने। तो उन साथियों ने बहुत बेहतरीन उम्दा काम किए, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को भी निभाया और विपक्ष की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया, चेक एंड बैलेंस बना के रखा। उनकी जगह पे जो नाम है वो मैं आपके सामने सूचित करना चाहता हूं। इन नामों को आगे जो प्रक्रिया होती है निगम को सूचित करने की, उसमें डाला जाएगा। नॉर्थ MCD से वार्ड नंबर 39N से मुंडका से हमारे पार्षद साथी हैं अनिल लाकड़ा जी, अनिल लाकड़ा जिन्हें नेता विपक्ष बनाने का फैसला लिया है पार्टी ने। साउथ दिल्ली से वार्ड नंबर 17S से सीतापुरी से हमारे पार्षद साथी हैं प्रवीण कुमार राजपूत जी। प्रवीण जी को साउथ दिल्ली में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है। और ईस्ट दिल्ली में वार्ड नंबर 8E कल्याणपुरी वार्ड से हमारे पार्षद साथी हैं कुलदीप कुमार जी। ईस्ट दिल्ली से पार्टी ने कुलदीप कुमार जी को नेता विपक्ष बनाने का फैसला लिया है। हम इन सभी साथियों को अपनी जिम्मेदारी के लिए निस्सीम शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।